Yes, hello students. Now we have few more questions of chemical kinetics and organic hydrocarbon, organic compound. Yes, first chemical kinetics and then hydrocarbon questions. First is of chemical kinetics. Question kya hai? In a reaction A to B, the rate of reaction increases two times. Rate of reaction increases two times means R1 equal to K A raised to power n, let it is x and it assumed as a. Okay, R2 is k a raised to, k remains constant, it becomes 2x, increases 2 times, on increasing the concentration of the reactant 4 times means 4a. Now 1 divided by 2, take x upon 2x equal to k a raised to power n k 4a. X cancel out, yes. So it became 1 by 2, k cancel out ho gaya, 1 upon 4 power n. Means n should be 1 by 2. N agar under root hoga, therefore n should be 1 by 2. Half order होना चाहिए, अगर half order होगा तभी ऐसा हो सकता है कि left hand side became equal to right hand side. इसका मतलब है then order of the reaction is half. Clear? चलिए next. Azo isoprene, ये एक compound है, azo isoprene decomposes according to the equation given already balanced equation है, 3-6 carbon atoms, 14 hydrogen, 2 nitrogen, already balanced है. It is found to be first order reaction, मतलब ये first order को follow कर रहा है. If initial pressure is P naught, उसने initial pressure P naught दिया है, and the pressure of the mixture, उसने किसी reactant का pressure नहीं दिया, उसने mixture का pressure दिया, at the time T is Pt, then the rate constant, ठीक है, तो हम इस equation को लिख लेते हैं, CH3 twice CHN NCH, all are in gaseous state, N2 gas plus C6H14 gas. Let the initial pressure is P 0 0 at time 0, P minus P dash, P dash, P dash at time T. Now our K is equal to of first order divided by T log P upon P minus P dash. But we don't have the values of P and P dash. हमारे पास तो P naught है और P T है, ठीक. तो अब at time equal to 0, P equal to P naught. P P naught के equal है. इसका मतलब P के place पर P naught लिख सकते हैं, P के place पर P naught लिख सकते हैं. Now at टाइम टी पर क्या है, टोटल प्रेशर. हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर, ठीक, ये टोटल प्रेशर है, और इसके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर क्या है, पी टी, पी टोटल, ये इससे कैंसिल आउट. इसका मतलब है कि पी डैश इक्वल टू पी टोटल माइनस पी, या पी टोटल माइनस पी नॉट. क्यों? क्योंकि पी की वैल्यू किसके इक्वल है, पी नॉट के इक्वल है. तो पी डैश को यहाँ पर पुट कर देते हैं, P डैश है P टोटल माइनस P नॉट, ठीक. अब इसे K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2P नॉट माइनस PT. ये इक्वेशन का क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इसका इक्वल हो जाएगा, 2.303 बाय टी लॉग पी नॉट अपॉन 2p माइनस pt. ये ऐसे इस तरह के डेरिवेशंस मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं, ठीक है. और मैंने कहा भी था कि जनरली क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, लेकिन इसमें तो पी नॉट और pt की टर्म्स में दे दिया है, तो ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, इसके बाद एक ये सिक्वेंशियल रिएक्शन गिवन है, फॉर ए रिएक्शन ए टू बी के वन रेट से और बी टू सी के टू रेट से, और के वन के टू का रिलेशन नहीं दिया हुआ है. इफ़ द रिएक्शन ऑर्डर आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि दोनों फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, देन डीबी बाई डीटी इज इक्वल टू, तो डीबी बाई डीटी किसके इक्वल होगा, एक जिस रेट से ये फॉर्म हो रहा है, ये इस रेट से फॉर्म हो रहा है, और इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है,
ठीक है, यानी कि बी का फॉर्मेशन के वन और ए पर डिपेंड कर रहा है, और बी का डिकम्पोजिशन भी हो रहा है उसी टाइम पर, वो के टू और बी को खुद बी पर डिपेंड कर रहा है। तो के वन ए माइनस के टू बी ये करवाया हुआ है, और फिर इसको आपको दो कंडीशन भी बताई हुई है कि अगर के वन इज़ ग्रेटर देन के टू है तो क्या होगा, के टू इज़ ग्रेटर देन के वन है तब क्या होगा, वो दोनों कंडीशन आपको बताई हुई हैं कि वो कैसे स्टडी स्टेट लेकर के या अप्रोक्सीमेशन किस तरह से लेकर के हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, बस ये तो इक्वली पूछ रहा है किसका इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, टू एन ओ प्लस ओ टू गिव्स टू एन ओ टू, ठीक है, इसका मैकेनिज्म गिवन है एन ओ प्लस एन ओ, के वन रिवर्सिबल रिएक्शन है, के वन फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कॉन्स्टेंट है, और बैकवर्ड का के माइनस वन गिवन है, एन टू ओ टू बनता है, फास्ट रिएक्शन है यानी कि आर डी एस नहीं होगा, एन टू ओ टू प्लस ओ टू गिव्स के टू, के टू इसका रेट कॉन्स्टेंट गिवन है, टू एन ओ टू ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होते हैं, स्लो स्टेप होते हैं आर डी एस स्टेप, यानी कि आर डी एस स्टेप है। अब वो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन जानना चाहता है कि रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर डी एस स्टेप, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप जो कि आर डी एस होता है, तो इसके बेस पर क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन टू ओ टू इन टू ओ टू, ठीक है, और कॉन्स्टेंट तो इसने लिखा ही है यहाँ पर, तो आर इक्वल टू के टू एन टू ओ टू एंड ओ टू, लेकिन एन टू ओ टू ना कोई रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, इट मीन्स एन टू ओ टू पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करना चाहिए, एन टू ओ टू शुड बी रिप्लेस्ड, ठीक है, तो इक्वेशन वन लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन पर आते हैं, एन टू ओ टू की इक्वेशन पर, ठीक, इसका के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा, ये होगा एन टू ओ टू अपॉन एन ओ इंटू एन ओ, ठीक है, एन ओ एन ओ टू ओ टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड के इक्वल होगा, ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एन टू ओ टू की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो एन टू ओ टू किसके इक्वल होगा, एन टू ओ टू इक्वल टू है के वन इंटू एन ओ को मैं दो बार लिखने की जगह स्क्वायर लिख देता हूँ, के वन माइनस वन, ठीक है, इसके इक्वल है ये इक्वेशन नंबर टू, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन टू पुट द वैल्यू ऑफ एन टू ओ टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन वन, सेकंड से उठाएंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, देयर फॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू, और एन टू ओ टू की जगह क्या आ जाएगा, ओ टू, तो लिख देते हैं यहां पर ओ टू इन टू, अब एन टू ओ टू के प्लेस पर आ जाएगा के वन एन ओ स्क्वायर अपॉन के वन, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू के टू इन टू के वन अपॉन के वन माइनस वन इन टू एन ओ स्क्वायर एंड ओ टू, ठीक है, और ये है इसका रेट कॉन्स्टेंट आर इक्वल टू के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ओ टू इसका ऑर्डर वन है, विद रेस्पेक्ट टू एन ओ इसका ऑर्डर टू है, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थ्री है, ठीक है, और उसने तो सिर्फ क्या कहा था, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन सॉल्व करने के लिए कहा था, तो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन के किसके इक्वल हो गया, के इक्वल है के वन इंटू के टू अपॉन के वन माइनस वन, ठीक है, इसके इक्वल है इसका रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इस तरह से मैकेनिज्म के बेस पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से रेट कॉन्स्टेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा किया है बिल्कुल उसी तरह से करना है, स्लोएस्ट स्टेप पर रेट डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप लिखना है, ठीक है, और अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट है, जैसे एन टू ओ टू इज द इंटरमीडिएट, इट इज नाइदर द रिएक्टेंट नॉर द प्रोडक्ट, वो ना रिएक्टेंट्स में काउंट होता है ना प्रोडक्ट में काउंट होता है रिएक्शन में, इसलिए उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करने के लिए एक रिवर्सिबल इक्वेशन गिवन होगी, उस रिवर्सिबल इक्वेशन को यूज़ करिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन है, द रेट कॉन्स्टेंट के फॉर द रिएक्शन 2x प्लस वाई, ठीक,
इक्वेशन है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब कुछ बताया ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं बताया। वाज फाउंड टू बी, इतने उसकी वैल्यू है। अब रेट कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट ही रहेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, 3.58 × 10⁻⁴ लीटर मोल पर सेकेंड पर मोल, ठीक है, पर सेकेंड। आफ्टर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड बाद इतनी वैल्यू है 3.6, यानी कि अप्रोक्स उतना ही 3.58 या 3.6। अब आफ्टर 30 सेकेंड फिर उतनी ही वैल्यू है, और 3.56 फिर वही है, लगभग अप्रोक्स बराबर ही है लीटर आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद में। यानी कि जब भी किसी भी टाइम पर नोट कर रहे हैं 15, 30, 50 सेकेंड्स पर, हर बार रिजल्ट सेम ही आना है, क्योंकि एक ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब वो तो लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो अब ऐसे तो अगर हम रेट कॉन्स्टेंट की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर हमें पता होगी, राइट हैंड साइड के बारे में हमारे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, दो दो कंसेंट्रेशन होती हैं ए नॉट और ए टी की, कुछ पता ही नहीं है, तो हम वो सॉल्व नहीं कर सकते। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगे, ठीक है, कि टाइम गिवन है 15 सेकेंड, और वैसे तो सेटिस्फाई तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, जीरो ऑर्डर वाली सेटिस्फाई हो जाएगी, वन वाली भी, ऐसे नहीं सॉल्व करना। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो रेट कांस्टेंट के का यूनिट गिवन है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट गिवन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की जो जर्नल यूनिट होती है उससे आप इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो और वो क्या होती है, वो होती है क्या, जर्नल यूनिट होती है कंसंट्रेशन पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, या कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और पावर 1 - n, और टाइम को लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स तो इसमें है, लेकिन यहाँ मोल इनवर्स है और लीटर नॉर्मल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव पावर के लिए यानी कि इसे लीटर पर मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। ऑर्डर जब 2 होगा तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर -1 मतलब लीटर पॉजिटिव हो जाएगा, मोल नेगेटिव हो जाएगा, तो लीटर पॉजिटिव पावर में, मोल इनवर्स में चला जाएगा, और पर सेकंड ये तो है ही, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, इसमें तो सीधा रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट के बेस पर सॉल्व करना है। आप इसे वैसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सा, क्योंकि कोई डेटा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। चलिए, ये तो थे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये एक रिएक्टेंट गिवन है, एक एल्कीन गिवन है, एल्कीन का ही होगा, हाइड्रोकार्बन से बात कर रहे हैं तो उसी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये एल्कीन है और ये इसे एल्कीन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजिशन को शिफ्ट करना है। ये मोर स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है, मोर स्टेबल, और इसके कंपेरिजन में क्या है, लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें लेस हाइपर कंजुगेशन है, तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो वो कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स टू परफॉर्म दिस कन्वर्जन। तो ये चार लिखे हुए हैं, तो इनमें से देखना है कि कौन सा मोस्ट परफेक्ट होगा, विच वन इज मोस्ट परफेक्ट। पहला कहता है HBr करना है, तो HBr का में एडिशन होगा, तो मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, मैं करके बता देता हूँ क्या होगा, यहाँ मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, ब्रोमीन आ जाएगा। और उसके बाद में ये कहता है कि हॉफमैन एलिमिनेशन करना है, क्यों, क्योंकि तो हिंडर्ड बेस है ना, हिंडर्ड बेस की प्रेजेंस में आपको क्या बताया था, हॉफमैन एलिमिनेशन लिखवाया हुआ है, एक बार देख लेना हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन में यहाँ से एच रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ से, इधर से या इधर से रिलीज नहीं होगा, ये तो मोर सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ से रिलीज होगा, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, जबकि हमें तो ये बनाना है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज नॉट सुटेबल, ठीक है। हो सकता है ये भी बन जाए, ठीक है, लेकिन कहाँ से बनेगा, देखा, ब्रोमीन तो यहाँ पर होगा। आप कहेंगे सर माइनर प्रोडक्ट तो होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रोमीन अगर अटैच करेगा होगा ही, वो माइनर प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिकोव्स एडिशन में, और माइनर प्रोडक्ट से ये वाला बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल मतलब जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में बेटर तरीके से बने, इसमें बेटर मेथड से नहीं बन रहा। दूसरा NBS देन एल्कोहलिक, NBS होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए,
अगर एन बी एस यूज़ करते हैं तो डबल बॉन्ड वहीं रहता है, या तो यहाँ ब्रोमीन अटैच होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ ब्रोमीन अटैच होगा, या यहाँ अटैच होगा, या यहाँ अटैच होगा, ठीक है। और ज़्यादा चांस कहाँ होंगे, इन दोनों में से किसी एक पोजिशन पर ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। और अगर ब्रोमीन यहाँ अटैच करेगा तो मैं एक जैसे लिख देता हूँ, ठीक है, अटैच करा ही देते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर देते हैं। चलिए यहाँ ब्रोमीन अटैच किया, तो इसका मतलब है जब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करेंगे तो इधर तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, इधर डबल बॉन्ड, यानी एक और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। एक तो पहले से है, एक और बन जाएगा। क्या हमें दो डबल बॉन्ड बनाना है? नहीं, हमें तो एक ही डबल बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब ये भी नहीं। अब इसके बाद वो कहता है एच बी आर परोक्साइड के साथ, तो ठीक है, एच बी आर परोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या होगा, यहाँ ब्रोमीन अटैच होगा ज़्यादा क्वांटिटी में, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। और उसके बाद अब एल्कोहल, ये सिंपल एल्कोहलिक के ओ एच है, एल्कोहलिक के ओ एच यानी सी एच थ्री सिंपल एल्कोहल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वापस यही बन जाएगा। तो रिटर्न करेंगे तो थर्ड केस वाले में वापस आपको ये ही मिल जाएगा जहाँ से आए थे। लेकिन अगर फोर्थ वाला यूज़ करें, फोर्थ इज आंसर, फोर्थ वाला यूज़ करें एच बी आर परोक्साइड के साथ यहीं आ जाएगा, और उसके बाद हॉफमैन एलिमिनेशन करें तो एच यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा, फोर्थ केस में एच यहाँ से रिलीज़ होगा, थर्ड केस में यहाँ से, फोर्थ में यहाँ से, और यहाँ से रिलीज़ होगा तो आपको प्रोडक्ट वो ही मिल जाएगा जो हमें प्रोड्यूस करना है, यानी फोर्थ आंसर, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, विच वन इज सुटेबल सीक्वेंस। तो आपको क्या करना है, या वन बाय वन प्रोडक्ट बनाकर देखिए, मतलब वन बाय वन रिएक्शन स्टार्ट कर दो कि किससे क्या बनेगा, क्या बनेगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा विच वन इज़ बेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कार्बन आइटम की क्वांटिटी 2, 4, 6 कार्बन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 7 कार्बन आइटम है, टोटल 7, ध्यान रखेंगे। ओजोनोलिसिस करना है, और कौन सा ओजोनोलिसिस करना है, CH3 twice S की प्रेजेंस या H2OZN, यह है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आपको ये लिखवाया हुआ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो वो कह रहा है द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, यहाँ रिडक्टिव चाहे तो रिडक्टिव भी लिख सकते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और जिस कार्बन के पास एक भी एच नहीं होगा वो कीटोन बनेगा, और जिसके पास एच होगा वो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड नॉट एसिड। वैसे भी ऑप्शन में सभी एल्डिहाइड बनाए हुए हैं। तो पहले तो देखते हैं कि कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन जितना है उतना ही रहना चाहिए, और ये सिर्फ डबल बॉन्ड ये ब्रेक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी एक 5 मेंबर रिंग ऐसे कैसे ही रह जाएगा। पहले मैं यहाँ आपको ऐसा ही बनाकर दिखा देता हूँ, जैसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाद में उसे ऐसा ये स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ ये वाला बॉन्ड कीटोन बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन के पास कोई भी एच नहीं है, और ये बनेगा एल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि इसके पास एच है। अब इसे अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो 5 मेंबर रिंग, और जिसके एक कार्बन पर बीच में गैप होना चाहिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में गैप होना चाहिए, ये वाला गैप है, यानी एक तरफ कीटोनिक ग्रुप और एक तरफ एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, और बीच में एक गैप, ये तो नहीं है, ये तो कंजिगेटिव है, कंटिन्यूस है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, हाँ, एक गैप के बाद एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, वो किसी भी साइड बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट में बनाओ या लेफ्ट में बनाओ, उल्टा लिखो इधर से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, ठीक है। और ये तीसरा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये सी एस थ्री अलग नहीं हो सकता, इट विल बी द पार्ट ऑफ कीटोन, ये सी डबल बॉन्ड इस कार्बन का ही अटैच पार्ट है, तो ऐसे सी एस थ्री अलग से नहीं आएगा, ठीक है। और सिक्स मेंबर रिंग तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग तो ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करता तब सिक्स मेंबर रिंग जिंदा रहता, एग्जिस्ट करता, लेकिन ये तो बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं, बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस डबल बॉन्ड के लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, और कभी कभी क्या हो सकता है, आईआईटी वगैरह में क्या आ सकता है, उल्टे क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवर्स, मतलब वो कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर अननोन है, रिएक्टेंट इज अननोन, और आफ्टर द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस द प्रोडक्ट इज दिस वन, ये प्रोडक्ट बना, तो आपको क्या करना है, जब उसका रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, आपके पास दो मेथड होंगे, या तो चारों रिएक्टेंट को एक एक करके ब्रेक करके देखो और देखो कि किसमें ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो इन डबल बॉन्ड को एक तरफ लाओ, दोनों को नज़दीक नज़दीक लाकर दोनों के डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच कर देंगे, तो दोनों के डबल बॉन्ड को जब एक दूसरे से अटैच करेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। आपको ये समझाया हुआ है, पेंसिल से ड्रॉ करिए, ऑक्सीजन को बीच में हटा दीजिए, डबल बॉन्ड को मिला दीजिए, ठीक है, तो उस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यस, अगला क्वेश्चन है एच बी आर,
एच बी आर रिएक्ट्स विद सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन है. अब एच बी आर तो क्या है, मार्कोनिकोव्स एडिशन है. ठीक है, तो मार्कोनिकोव्स एडिशन हम कर देते हैं इसमें. सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड एच के साथ कंबाइन करेगा, ब्रोमीन यहाँ से रिलीज़, और ये एच के साथ कंबाइन करेगा. तो इस तरह से दो कार्बोकैटायन पॉसिबल है, एक प्लस सेकंड वन, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों में से किसी के साथ अटैच कर सकता है. इट इज़ मोर स्टेबल. क्यों? क्योंकि इसके पास रेजोनेंस है, इसके पास नहीं है, इसलिए मोर स्टेबल है. तो बी आर नेगेटिव के साथ यही ज़्यादा क्वांटिटी में रिएक्ट करेगा, तो सी एच थ्री सी एच बी आर, ठीक है, और ओ सी एच थ्री मेजर प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, यानी सिंपल मार्कोनिकोव्स एडिशन है और कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसके बाद, और हाँ, ये एच ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकता. आपको बताया हुआ है या याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन को रिमूव करना इजी नहीं होता है. डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसे रिमूव करना डिफिकल्ट होता है. नॉर्मल कंडीशन, इसलिए रूम टेम्परेचर लिखा है. रूम टेम्परेचर पर तो इसका रिलीज होना पॉसिबल ही नहीं है. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी नहीं. नेक्स्ट, इसके बाद अगला लिखा है कलरेशन ऑफ ब्रोमीन. ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है. ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, ब्राउन कलर या रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर शो करता है. विल डिस्चार्ज, यानी कि उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा. ये अनसेचुरेशन का प्रेजेंस, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन. ये आपको 9th-10th क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है, या 11th में भी बताया होगा. तो इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, और बेंजीन का डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता इसमें. यानी बेंजीन के साथ ये ब्रोमीन, क्योंकि बेंजीन में एरोमेटिक करेक्टर है, उसका डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल होता है. और अगर बेंजीन रिएक्ट करता तो चारों आंसर होते हैं. इसमें भी, इसमें, इसमें और इसमें, चारों में बेंजीन है, ठीक है. और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रिएक्ट नहीं करता है, वहाँ सिर्फ अनसेचुरेशन चाहिए. किसका? हाइड्रोकार्बन का, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन केवल इस स्ट्रक्चर में है, सिनेमिक एसिड में. इसमें भी नहीं है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है. और डीकलराइजेशन के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी ये अनसेचुरेशन ऑफ कार्बन एल्कीन एल्काइन के प्रेजेंस को शो करने के लिए ये टेस्ट होता है. रेडिश ब्राउन कलर, डीकलराइजेशन ऑफ रेडिश ब्राउन ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है, या ब्रोमीन CCl4 टेस्ट कहा जाता है इसे. ठीक है, क्लियर. चलिए, और भी कोई प्रॉब्लम है सेंड करिए उसे, ठीक, हम उसे डिस्कस करेंगे. ठीक, और कल डाउट के और डिस्कस कर लेंगे, जूम क्लास के थ्रू डाउट डिस्कस कर लेंगे, एक दो थियोरेटिकल जो भी डाउट्स होंगे, और ऐसे एक्सप्लेनेशन वाले होंगे तो वो आप सेंड कर दो, मैं उनके वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा. ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए. ओके, गुड डे.